हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जिट वाई ट्यूटोरियल्स में। आज हमारा फिजिक्स का फिफ्थ लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ का ग्राफ। इसके पहले हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस और उनका फैक्टर्स, जिस मतलब कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अभी हम हेडिंग लगाएंगे ओम्स लॉ। हमने पहले पढ़ा था कि करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है। इन 1827 एक जर्मन साइंटिस्ट थे, या हम उसको बोल सकते हैं फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकाला था। और उन्होंने कहा था कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। क्लियर है? तो उसको नोट कर लेंगे हम। इन 1827 अ जर्मन फिजिसिस्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट इन द कंडक्टर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the potential difference is directly proportional to the current flowing in the conductor। अगर हमें इसे इक्वेशन से दिखाना हो तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस I के। क्लियर है? तो ओम्स लॉ ने क्या बताया था हमें? करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन। और उन्होंने कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के जो किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मुझे ये साइन हटाना हो तो हम इसको V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये कांस्टेंट क्या है। हम कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं और कंडक्टर जो है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V बाई आई इक्वल टू R। इस कांस्टेंट के जगह पे हमने क्या रख दिया? R। कंडीशन ये है ओम्स लॉ का कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। क्योंकि हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो है कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, और टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना। टेम्परेचर बदलेगा नहीं। अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा उस टाइम तो ओम्स लॉ फॉलो होगा, और अगर टेम्परेचर बदल गया तो फिर ओम्स लॉ फेल हो जाता है। क्लियर है? तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं रिलेशन? V जो है वो किसके बराबर है? IR के। और यही है हमारा
ओम्स लॉ। ये चीज़ क्लियर हो गया कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और हम यहाँ से इस साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट रख देते हैं, और वो कांस्टेंट क्या है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम हो तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बदलता नहीं है। क्लियर। जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का यूनिट कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे ये रिलेशन हमारे पास उस समय तक नहीं था। अब हमारे पास चूंकि ओम्स लॉ की मदद से ये रिलेशन आया है, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस का जो है वो ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, वी बाई आई। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट का। तो हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं वी, और करेंट का क्या होता है, एम्पियर। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट एम्पियर का पावर माइनस वन, या इनवर्स बोल सकते हैं, या फिर वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं उसको, या फिर वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। लेकिन हम रेजिस्टेंस के यूनिट को बताने के लिए वोल्ट पर एम्पियर ना बोल के हम ओम्स बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि वो रेस्पेक्ट था किसके लिए, जिन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ जो रेजिस्टेंस है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको हम बोल देते हैं ओम्स, और ओम, और इसका जो ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये साइन का नाम है ओमेगा, और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम, या फिर हम वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। अब देखिए अगला है हमारा, अगर हम कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर से वन, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वन ओम है, इसका क्या मतलब है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर वन ओम है इसका क्या मतलब है। तो सिंपल सा आप देख लो, यहाँ पे वन ओम का मतलब है कि उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वन वोल्ट का होगा, और जो करेंट उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो, उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, वन एम्पियर। तो जब इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a conductor is 1 volt and current in the conductor is 1 ampere, then the resistance of the given conductor is 1 ohm। क्लियर है ये। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओहम, इसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से, और इस साइन को हम बोलते हैं ओमेगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम हो गया। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ohm है, इसका मतलब ये है कि उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 1 volt है, और जो करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर के पास, कंडक्टर में, वो 1 ampere का करंट है। तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स में हमें चाहिए एक कंडक्टर जो कि निक्रोम वायर से, जो कि निक्रोम वायर का हो, आपको चाहिए एक रियोस्टेट,
इसको दिखाते हैं हम RH से। आपको चाहिए एक एमीटर, आपको चाहिए एक वोल्ट मीटर, और आप एक स्विच भी लगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेल या बैटरी। आप सेल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एमीटर लगा लिया। यहाँ पे ये जो वायर, ये रेजिस्टेंस है, ये कुछ और नहीं है, ये निक्रोम वायर है। और निक्रोम वायर के पास कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो मैंने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिखाया है वो यही निक्रोम वायर है। यहाँ पे आप एक स्विच लगा लीजिए, बैटरी लग गया, सॉरी रियोस्टेट यहाँ से मिस हो गया है। रियोस्टेट का मतलब है वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे हम एक लगा लेंगे वोल्ट मीटर, क्योंकि हमें वोल्टेज भी मेजर करना है और करंट भी मेजर करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि जो रियोस्टेट है उसको सबसे मिनिमम वैल्यू पे क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे उसको, रियोस्टेट को सबसे मिनिमम वैल्यू पे फिक्स कर लेंगे। और जब मिनिमम वैल्यू पे फिक्स करेंगे तो वहां पे हम क्या मेजर करेंगे, मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। हम क्या करेंगे, रियोस्टेट को सबसे लोएस्ट वैल्यू पे फिक्स करेंगे, और उसके बाद हम उस टाइम पे इस वोल्टेज के पास क्या रीडिंग है और इस एमीटर के पास क्या रीडिंग है उसको हम मेज़र कर लेंगे। और फिर से क्या करेंगे, इस रियोस्टेट को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे ताकि रेजिस्टेंस क्या हो, ये वेरिएबल रजिस्टर है ना, थोड़ा सा रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। और उस टाइम दूसरी बार फिर से हम क्या करेंगे, फिर से वोल्टेज और करंट का वो मेज़र कर लेंगे कि क्या आ रहा है। और ये प्रोसेस दो तीन चार बार करेंगे, उसको धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगे रियोस्टेट को, और जो वैल्यू है वोल्टेज और करंट का उसको मेज़र करेंगे। तो हमें यहाँ से लगभग तीन चार वैल्यू निकाल लेना है अलग अलग मूवमेंट पे, और उसका हमको रेशियो निकाल लेना है, क्योंकि हमारे पास R क्या होता है, V बाई आई। तो हम क्या देखेंगे कि जो रेशियो है V बाई आई का, वो हर टाइम क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। आप जो वैल्यू निकालेंगे R इक्वल टू V बाई आई का, वो हर टाइम क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब जैसे जैसे आप इसको वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे चेंजिंग तो होगा, आपका वोल्टेज और करंट बदलेगा ज़रूर, लेकिन उनका जो रेशियो होगा, ये जो रेशियो है V बाई आई का, वो चेंज नहीं होगा। और यही साबित कर दे रहा है यहाँ पे ओम्स लॉ को, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर टाइम R का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। क्लियर है, हर टाइम R का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हम चाहें तो ग्राफ से भी R का वैल्यू निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है कब, जब हम ओमिक रजिस्टर को यूज़ करते हैं। और ये जो रजिस्टर है हमारे पास वो ओमिक रजिस्टर है। ये जो y एक्सिस है वो पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा रहा है, और ये जो x एक्सिस है वो करंट को दिखा रहा है। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, और हमें इसका रेशियो निकालना है, मतलब कि हम इस रेशियो को इस ग्राफ के स्लोप से भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने मन से कोई भी एक वैल्यू दे देते हैं, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट,
0.1, 0.2, 0.3, 0.4। हम यहाँ सीखेंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है हमारा, इस पर कोई भी दो पॉइंट हम दिखा देते हैं। मान लो कि ये एक पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया P, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया Q। ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वो कुछ इस तरीके का होगा, और मैं इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा एक्स एक्सिस पे भी, कुछ इस तरीके का दिखेगा वो। फिर मैं क्या करूंगा कि इस क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस पे, और फिर इस क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा एक्स एक्सिस पे। अब देखना, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंट का डिफरेंस है, दिख रहा है। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ किससे, डेल्टा वी से। और यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट का डिफरेंस है, तो इसको मैं किस चीज़ से डिनोट कर दे रहा हूँ, डेल्टा आई से। और आर हमारा क्या है, आर जो है हमारा वो रेशियो है किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल और करंट का। तो हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू डेल वी बाई डेल आई। आप इसका जितना भी वैल्यू चाहे उतना वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आर का जो वैल्यू होगा, इनका जो रेशियो होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो आप समझ लो कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। वहाँ पे हो सकता है कि टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं है। और अगर कोई भी कंडक्टर जिसके पास रेजिस्टेंस हो, अगर वो ओहमिक नहीं है, वो ओहमिक रेजिस्टर नहीं है, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगा। वो कुछ ऐसा आ सकता है, वो कुछ ऐसा आ सकता है, और इस तरह के ग्राफ का स्लोप जो है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो कभी कांस्टेंट नहीं आएगा। और जब कांस्टेंट नहीं होगा, तो वहीं पे ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, फेल। क्योंकि ओम्स लॉ का कहना है कि जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप यहीं पे देखो ना, इस फिगर में ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे एक क्या लगा दिया, निक्रोम वायर, जिसको हम कंडक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ओबियस सी बात है कि निक्रोम वायर है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा ही करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, और उसी समय हम वोल्टेज का भी रीडिंग ले रहे हैं और करंट का भी रीडिंग ले रहे हैं। कंडीशन ये है कि जब हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं, उस टाइम टेम्परेचर जो है कंडक्टर का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइम जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो ग्राफ होगा ओम्स लॉ का, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के बाद हमें इसका वोल्टेज और करंट ग्राफ बनाना होगा। हमने पहले भी कर लिया हुआ है इसको, अभी मैं फिर से इसको एक बार आपके सामने कर देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये है आपका करंट, जो कि एम्पियर में होता है। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ आएगा, वी आई का ग्राफ, वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। चीज़ क्लियर है? क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू डेल वी बाई डेल आई। क्लियर है? हम इस ग्राफ से स्लोप निकालेंगे, और स्लोप क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। स्लोप जितना ज़्यादा होगा, समझ लो, स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
ओम्स लॉ की मदद से हम देख रहे हैं कि स्लोप अगर इंक्रीज करेगा, किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर इंक्रीज करेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी उसी के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? और यही जो स्लोप है इस वी आई ग्राफ का, जो वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। नोट कर लो, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो हेडिंग है हमारा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। मैंने पहले भी कहा है कि ओम्स लॉ तभी फॉलो होगा, दिस लॉ ओबे व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स सेम। मतलब कि जो कंडक्टर का टेम्परेचर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जो है आपका ओम्स लॉ काम करेगा। और अगर उस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर वैरी कर रहा है तो फिर उस टाइम पे आपका जो ओम्स लॉ है वो फेल कर जाएगा। तो अगला, अब ये ख़त्म हो गया टॉपिक आपका। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन दो नंबर का ही बन सकता है, वो क्वेश्चन आपका तीन नंबर का ही बन सकता है, और वो क्वेश्चन आपका पाँच नंबर का भी बन सकता है। तो अगर सिंपली क्वेश्चन दो नंबर का आता है तो आपसे सीधे पूछेगा कि ओम्स लॉ क्या है, उसको डिफाइन करें। और अगर क्वेश्चन तीन नंबर का आता है तो हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पूछ ले। अगर क्वेश्चन एक नंबर का आता है मान के चलते हैं तो आपको लिमिटेशन पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि वोल्टेज और करेंट के बीच में क्या रिलेशन है। और अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, पाँच नंबर का आता है, तो समझिए कि आपका ओम्स लॉ, उसका वेरिफिकेशन, उसका वीआई ग्राफ और ये लिमिटेशन, ये सारा कुछ उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर सवाल पाँच नंबर का आता है तो हो सकता है कि आपसे सिंपली वीआई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल दे वो, या फिर ग्राफ दे दे और पूछे कि यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालिए। तो आपको कैसे निकालना है, आपको पता है, आपको वहाँ से स्लोप निकाल लेना है, क्योंकि स्लोप ही आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हमारा ओमिक रजिस्टर और नॉन ओमिक रजिस्टर। ओमिक रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो क्या फॉलो करता है, ओबे ओम्स लॉ। इसका जो ग्राफ आएगा वो लीनियर होगा, लीनियर कहने का मतलब कि स्ट्रेट लाइन में होगा। क्लियर? स्लोप यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चीज़ें क्लियर है? ओमिक रजिस्टर वो कंडक्टर है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या लीनियर होगा, और उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? अगर नॉन ओमिक की बात करें तो नॉन ओमिक रजिस्टर जो है वो ओम्स लॉ को डज नॉट ओबे, ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा, हम बोल सकते हैं नॉन लीनियर होगा। पॉइंट नंबर थ्री जो है आपका, उसका जो स्लोप होगा नॉट बी कांस्टेंट, स्लोप जो है उसका कांस्टेंट नहीं होगा, और उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का हो सकता है ऐसे, या फिर हम बोल सकते हैं उसका ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है। और इसका ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और टेंजेंट की मदद से हम क्या करेंगे, इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है?
ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ओमिक रजिस्टर और नॉन ओमिक। ओमिक वैसा है जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, जिसका ग्राफ लीनियर होगा और जिसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नॉन ओमिक रजिस्टर वो रजिस्टर है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिनका ग्राफ लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा और जिसका स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो आज तक के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम इस ओम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फर्दर जो है हम रेजिस्टेंस का कनेक्शन पढ़ेंगे। तो अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।